Assalamu alaikum. Hi everyone, this is Akbar Hussain and you are watching my channel Learn English with Akbar Hussain. Today I have a new topic for you, that is either or. Even you can say either or. Either, either, both are absolutely correct in pronunciation. So let's begin. Today's topic is either or. अब either को हम either भी pronounce कर सकते हैं. दोनों pronunciation बिल्कुल ठीक है. आपको अगर either से लगता है तो आप either कहें, either ठीक लगता है तो either कहें. जो आपके ज़बान से निकलना या उसपे चढ़ना आसान हो आप वो कह लें. अच्छा, इसके अक्सर आपने उर्दू में जुमले सुने होंगे कि या तो आज अम्मी हमें डांटेंगी या तो हमारी पिटाई लगाएंगे, या तो अब्बू आज हमारे लिए तोहफा लाएंगे या तो हम सबको पिकनिक पर लेकर जाएंगे, या तो आज तुम नहीं बचोगे या तो मैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं ऑफिस से घर पहुंचा और मेरे जेब में मोबाइल फोन नहीं है. अब मोबाइल फोन नहीं है, मैं इस तरह से कहता हूं, या तो मैं अपना मोबाइल फोन ऑफिस में भूल गया या रास्ते में मुझसे गिर गया. फॉर एग्जाम्पल, मेरे दोस्त का इम्तिहान है, मैं उसको कह रहा हूं या तो तुम इम्तिहान में फेल हो जाओगे या तो तुम अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, या तो यहां से चले जाओ या मेरी मदद करिए. आज तुम खाना पकाओगी या तो तुम बर्तन धोगी. तो या तो ऐसे या तो वैसे. इधर दिस और दैट, इधर दिस और दैट. अब हम बात करते हैं इसके इस्तेमाल की, इसको हम इंग्लिश में किस तरह से यूज करते हैं. हाउ कैन वी यूज दिस सेंटेंस इन टू इंग्लिश लैंग्वेज. अब नाउ वी टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ इधर और. इधर और के हम इस्तेमाल की बात करेंगे. देर आर टू यूज ऑफ इधर और. दोनों इस्तेमाल की हम बात करेंगे. पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट यूज ऑफ इधर, इधर के पहले इस्तेमाल की. पहला इस्तेमाल इट्स वेरी सिंपल. लाइक अगर मैं उर्दू में सेंटेंस कहूं, मैं तुम्हें मैसेज करूंगा या कॉल. Either I will call you or I will text you. इस सेंटेंस को हम ऐसे भी कह सकते हैं, Either I will call you or text you. I will को रिपीट करना जरूरी नहीं है सेकंड क्लोज के अंदर. और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे कि या तो उसने मुझे देखा नहीं या उसने मुझे इग्नोर कर दिया. Either she didn't see me or ignored me. या तो उसने मुझे देखा नहीं या उसने मुझे इग्नोर कर दिया. इधर शी डिडंट सी मी और इग्नोर्ड मी. या तो बच्चे क्लास में शोर मचाते हैं या बदतमीजी करते हैं. इधर स्टूडेंट मेक अ नॉइस इन द क्लासरूम और मिसबिहेव. और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर, सर अकबर या तो वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब पर या पोस्ट शेयर करते हैं फेसबुक पर. इधर सर अकबर अपलोड्स वीडियो ऑन फेसबुक और शेयर्स पोस्ट ऑन फेसबुक. अब तक हमने जो बात की इसमें हमने एक सब्जेक्ट की या एक चीज की बात की. अब हम बात करेंगे दो लोगों या दो चीजों की. ये भी फर्स्ट यूज है, अभी हम सेकंड यूज की तरफ नहीं गए इधर के. ये भी फर्स्ट यूज ही है. मिसाल के तौर पर जुमला हो, या तो अली या तो उस्मान कमरे में है. इधर अली और उस्मान इज इन दिस रूम. अच्छा, इसमें एक कंफ्यूजन आपको हो सकती है कि मैंने इज क्यों लगाया. इधर अली और उस्मान इज इन दिस रूम. अच्छा, अब यहां पर मैंने इस जो लगाया है इस पे आपको क्वेश्चन लगता है, तो इसका सबसे आसान तरीका यह है कि जो और के बाद वाला क्लोज है उसमें जो सब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक आप वर्ब लगाएंगे. मिसाल के तौर पर अगर जुमला इतना ही होता, उस्मान इज इन दिस रूम, तो उस्मान के साथ आप इज लगाते हैं. तो इसी वजह से आप जो और के बाद वाला सब्जेक्ट है उसको देखते हुए आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे. मिसाल के तौर पर, इधर अली और उस्मान इज इन दिस रूम, तो उस्मान इज इन दिस रूम, ये एक सेंटेंस अलग से बन सकता है. तो इसको देखते हुए आप लगाएं. इसके लिए मैं एक और एग्जांपल आपको दे सकता हूं, जैसे कि या तो अलीजा या तो तुम चाइनीज सीख रहे हो. इधर अलीजा और यू आर लर्निंग इंग्लिश, आर लर्निंग चाइनीज. इधर अलीजा और यू आर लर्निंग चाइनीज लैंग्वेज.
अब यू आर चाइनीज लैंग्वेज, देखें और के बाद जो यू है उसके बाद मैंने आर लगाया, यहां पे मैंने आर क्यों लगाया, ये यू सब्जेक्ट है इस वजह से लगाया। इधर अलीजा और यू आर लर्निंग चाइनीज लैंग्वेज, फॉर एग्जाम्पल और भी इस्तेमाल है, या तो मेरी मदद करो या तो चले जाओ। इधर हेल्प मी और गो अवे। सो नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स द सेकेंड यूज ऑफ इधर। इधर का सेकेंड इस्तेमाल क्या है? अब मिसाल के तौर पर आप सिचुएशन ये है कि मिसाल के तौर पर मेरा भाई आया और मुझसे पूछता है कि भाई मैं आपकी कौन सी शर्ट पहनूं। अब मेरे पास दो शर्ट हैं, एक ब्लैक और एक व्हाइट। अब मैं उससे पूछता हूं तुम दोनों में से कोई पहन सकते हो, मतलब दो शर्ट हैं उसमें से तुम दोनों पहन सकते हो, तो मेरा सेंटेंस ये होगा यू कैन वेयर आइदर शर्ट, मीन्स दोनों में से कोई भी एक पहन सकते हो। अच्छा, अगर चीज दो से ज्यादा होती, अगर ये शर्ट दो से ज्यादा होती, मिसाल के तौर पर तीन शर्ट होती ब्लैक ग्रीन एंड ब्लू, अब मेरा भाई पूछता कि मुझसे कि मैं आपकी शर्ट पहन लूं, तो मैं बोलता तुम कौन सी शर्ट पहनूं, तो मैं कहता तुम कोई सी भी शर्ट पहन सकते हो। अगर वो दो शर्ट्स होंगी तो मैं कहता यू कैन वेयर आइदर शर्ट, अगर वो दो से ज्यादा है तो मैं कहूंगा यू कैन वेयर एनी शर्ट। इसी तरह से मिसाल के तौर पर अब मैं कहूंगा दो रास्ते जा रहे हैं, ये कौन सा रास्ता हैदराबाद हो जाता है, कौन सा रोड जो है वो हैदराबाद हो जाता है। अब दोनों ही रोड अगर हैदराबाद हो जाते हैं तो मेरा सेंटेंस ये होगा कि आप तुम कोई सा भी रास्ता ले लो हैदराबाद जाने के लिए, दोनों में से कोई भी रास्ता, तो सेंटेंस ये होगा यू कैन टेक आइदर रोड फॉर हैदराबाद, यू कैन टेक आइदर रोड फॉर हैदराबाद। सो यू कैन फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मेरे बंदा क्लास का स्टूडेंट आया, सर कौन सी चेयर से बैठो, दो चेयर्स रखी हुई है, तो तुम दोनों में से किसी भी चेयर पर बैठ जाओ, तो मेरा सेंटेंस होगा यू कैन सेट ऑन ईदर चेयर, अगर दो से ज्यादा है तो बोलूंगा यू कैन सेट एनी चेयर। इसी तरह से मिसाल के तौर पर मैं दुकान पर गया, अब मुझे दो घड़ी पसंद आई, मैंने दो निकाल के सामने रख दी, मैंने कहा इन दोनों में से पसंद करो, चूज ईदर वन या ईदर और आइदर, आपको पता है उसमें कोई मसला नहीं है। मिसाल के तौर पर बोला ब्लैक और ब्लू, मैंने दो वॉच निकाल रख दी। अब मैंने कहा अपने दोस्त को कि इन दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट करो, चूज ईदर वॉच। सो अगर मैं ज्यादा देता हूं तो चूज एनी वॉच ऑफ देम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट मोर वीडियोस। माय चैनल इज लर्न इंग्लिश विद अकबर हुसैन। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन, सो यू मे आस्क इन कॉमेंट्स। And you can join me on my Facebook group, on my Facebook page. And you can email me by my Gmail ID on the screen. And you can WhatsApp or you can visit our website. It is on the screen. So thank you very much once again. Allah Hafiz. Take care. Goodbye. And I will be there with the new topic. Allah Hafiz. Goodbye.